हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तन्वी सूद। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। ऋषि कपूर और नीतू कपूर को बॉलीवुड का सबसे प्यारा कपल माना जाता है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि दोनों की जोड़ी लोगों को खूब पसंद आती है। लेकिन इसी आइडल कपल से जुड़ी एक ऐसी कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। ऋषि कपूर अपने समय में सबसे हैंडसम एक्टर की लिस्ट में शामिल हुआ करते थे। उनका चार्म ही कुछ ऐसा था जो हर हसीना को दीवाना कर दिया करता था। ऋषि का अफेयर कई एक्ट्रेसेस के साथ चला, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में आई थी उनकी और जूही चावला की लव स्टोरी। जूही की भोली मुस्कान ही उनका दिल ले गई थी। जूही का जादू इस कदर ऋषि पर चढ़ चुका था कि वो अपनी पत्नी नीतू को तलाक तक देने के लिए रेडी हो गए थे। लेकिन जैसे ही नीतू को इस बात की खबर लगी तो वो चौंक गई। उनके मानो पैरों तले जमीन ही खिसक गई हो। नीतू ने इस बात का जब विरोध किया था तो एक दिन नशे में ऋषि ने नीतू के ऊपर हाथ उठा दिया था। इतना ही नहीं दोस्तों, नीतू भी चुप बैठने वालों में से नहीं थी। उन्होंने उसी रात बांद्रा पुलिस स्टेशन में कॉल करके ऋषि के खिलाफ कंप्लेन दर्ज करा दी थी। कहा जाता है कि जब सुबह नीतू के घर पुलिस पहुंची तो ना जाने क्यों नीतू अपनी बात से ही पलट गई थी और उनका कहना था कि उन्होंने कोई कंप्लेंट ही नहीं करवाई। ये सब देखकर ऋषि समझ चुके थे कि नीतू को यूं धोखा देना उन्हें भारी पड़ सकता है, जिस वजह से उन्होंने जूही से दूरी बनाने में ही अपनी भलाई समझी थी। वेल, आपको हमारी स्पेशल रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही अनसुने किस्से सुनने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।